तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजर फॉर्म के बारे में, और यूजर फॉर्म की कोडिंग की हमारी पहली क्लास है जहां हम यूजर फॉर्म के बारे में देखेंगे कैसे कोड करते हैं और कैसे क्या करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने यूजर फॉर्म की डिजाइनिंग की क्लास ली थी कि हाउ टू डिजाइन द यूजर फॉर्म, और आप लोगों ने मुझे अपनी तरफ से यूजर फॉर्म बना के भेजा, बट कुछ नहीं हुआ, मैं अट्रैक्टिव नहीं था, नॉर्मल आपने बच्चों वाली बना ली थी। तो चलिए आज हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं यूजर फॉर्म की क्लासेस। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं एक एक्सेल फाइल में लॉगिंग का ऑप्शन। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी एक्सेल फाइल में लॉगिंग का ऑप्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई है, उसमें सबसे पहला शीट हमारा वेलकम का है, उसके बाद यहां हमारे पास नेम है जैसे कि पूजा, नीरज, नीतू कर देता हूं मैं, नीतू, रवि, ओम, और एक सीट हमारा एडमिन का है, राइट। तो यहां पे एडमिन के क्या है, यूजर है, और यहां पे पासवर्ड है। तो मैं यहां पूजा पासवर्ड 123, नीतू पासवर्ड है 789, रवि पासवर्ड है 456, और ओम पासवर्ड है 12, ठीक है। और एक हमारा यहाँ एडमिन है, और एडमिन का पासवर्ड 123456789। अब मैं चाहता हूं कि जब भी कोई सीट ओपन करे तो सारे सीट हाइड हो, बात समझे। जस्ट वेलकम सीट जो है हमारा, ये वेलकम सीट सिर्फ हमारा ओपन हो, राइट सर। और फिर एक पॉपअप आए जहां पे आईडी और पासवर्ड हो, अगर हम वहां पे आईडी और पासवर्ड जिस सीट का डालते हैं सिर्फ उसी सीट को हाइड करे, बाकी सारे सीट को अनहाइड कर दे, समझ गया। तो सबसे पहले हमें लॉगिंग सीट क्रिएट करना होगा। तो हम कौन से फाइल में है एक बार देख लेता हूं, मैं बुक 39 में हूं, आज बहुत सारे बुक क्रिएट किया मैंने। बुक 1, बुक 2, बुक 39, राइट। हाँ, और इंस्टॉल करता हूं यहां मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स नहीं, यहां मॉड्यूल्स में चाहिए यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म में हमने इसको पहले तो साइज दिया, जो लॉगिंग का साइज होता है उस हिसाब से, और यहां हमने यूजर फॉर्म में हमने सबसे पहले इसका यूजर फॉर्म 1 हटा के लॉगिन फॉर्म कर देता हूं। उसके बाद इस पे हम दो इनपुट बॉक्स लेते हैं, पहला, फिर हमने यहां पे लिया दूसरा, फिर इसके आगे हम लिखते हैं यूजर, और दूसरा हम यहां पे करते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। अब इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट में जाता हूं, अलाइन करता हूं लेफ्ट, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं फॉर्म में, अलाइन लेफ्ट की तरफ करता हूं, और साथ में मैं मेक ए सेम साइज कर देता हूं। उसके बाद हमारी बटन की बात आती है, तो सबसे पहले तो मैं यहां लॉगिन का बटन करूंगा,
लॉग इन। उसके बाद मैं यहाँ एक बटन बनाऊंगा क्लियर का, नहीं सॉरी बटन चाहिए ना हमें क्लियर का। और उसके बाद हम यहाँ एक बटन बनाएंगे नीचे छोटा सा गेस्ट, गेस्ट का। नीरज जी टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। तो आपके तरफ से कोई फाइल नहीं आई है यूजर फॉर्म की, क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा यूजर फॉर्म। सर डिजाइन करना था, मैंने कुछ कोडिंग करने के लिए तो नहीं बोला था मैंने। अब डिजाइनिंग समझ में नहीं आ रही आपको? उठा के एक बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, यहाँ से बटन से उठाना लगाना, ये तो समझ में आ गया है? समझने से ये तो कोडिंग नहीं आनी चाहिए ना सर। कोई नहीं, ये तो कर लूंगा। आपने ट्राई नहीं किया और आपने झूठ बोल दिया कि मैंने समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं सर वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो रहा बटन सर। सर जब आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तभी होगा कंटिन्यू। आपको मैंने काम दिया कि भाई यूजर फॉर्म का कुछ सैंपल बना के बताइए, फिर इसके आगे चीजें बताऊंगा। आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मैं वेट करता रहा। अंत में जब कुछ आई है, रवि जी की आई है, जितेंद्र जी की आई है, अतीश जी ने भी नहीं भेजा है, तो फिर मैंने उसको देखा है, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक सर मैं आपको बना के दूंगा। सिंपल से काम नहीं चलेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, क्योंकि आप एडवांस वीवीए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से होना चाहिए ना। अब प्रैक्टिस आपको मैं शुरू में किया था, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। डेली 2 घंटा का टाइम आप पावर देते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए, कम से कम 2 घंटा देना होता है डेली, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लेने से समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसमें काम करता हूँ, पासवर्ड है तो जाहिर सी बात है पासवर्ड को मैं यहाँ करना चाहूंगा पासवर्ड करेक्टर स्टार करके, तो ये मेरा यूजर फॉर्म बन गया। अभी मैंने कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं किया, जस्ट डिजाइन किया है मैंने। जब लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, इसमें हम यूजर नेम डालेंगे, इसमें पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन क्लिक करेंगे तो चेक करेगा उस सीट को, लॉगिन करेगा क्लियर क्या करेगा, गलती से टाइप हो गया तो क्लियर करेगा। सबसे पहले चलिए क्लियर को देखते हैं। क्लियर, क्लियर में हम यहाँ देते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1.value इक्वल टू, हमने बस ब्लैंक कर दिया। इससे क्या होगा जब क्लियर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा होगा उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डाला और यहाँ डाला, मैं क्लियर करूंगा तो क्लियर कर देगा। अब मान लीजिए मुझे पासवर्ड ना पता हो तो लॉगिन एज ए गेस्ट, गेस्ट का मतलब ये हुआ कि सारी सीट हाइड हो जाएगी, सिर्फ वेलकम सीट अनहाइड होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं और हम देते हैं फो आई इक्वल टू चले 1.sheet.count। तो जिस पे आपको कोड करना है ना सर उसी पे डबल क्लिक करेंगे। यहां देखिए यहां क्या है, कमांड बटन 3, एक्शन क्या है क्लिक। तो यहां पे कुछ चेक कर लीजिएगा, जैसे आप इवेंट माइक्रो प्रोग्राम ने किया था सेम यहां पे प्रोसीजर करना पड़ेगा। फिर इफ यहां पे सीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू वेलकम, क्योंकि वेलकम शीट को सिर्फ रहने देना है, बाकी सारे शीट को हाइड कर देना है। देन एंड इट, देन क्या करना है, शीट विजुअल इक्वल टू एक्सेल वेरी हिडन, वेरी हिडन करेंगे ताकि नॉर्मल कोई हिडन ना कर सके। और यहां पे हम कर देते हैं आई। अब ऐसा होगा जैसे ही मैं यूजर फॉर्म रन होगा, रन होने के बाद मैं गेस्ट पे क्लिक कर दिया तो देखिए हट गया, बट यूजर फॉर्म नहीं हटा।
हम चाहते हैं कि यूजर फॉर्म भी हट जाए। तो यूजर फॉर्म हटने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ अनलोड मी, अनलोड मी क्या करेगा, यूजर फॉर्म को हटा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन गेस्ट कर दिया तो यूजर फॉर्म हट गया, वेलकम शीट आ गया। अब बात करते हैं, दो चीजें हो गई हमारी लॉग इन सीट पे। लॉग इन सीट पे करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ इफ। अब इसमें मुझे एडमिन सीट का रेंज देना है, एडमिन सीट कहां है हमारा, किट पिक सीट सिक्स डॉट रेंज ए बाई ए, और इसमें मैच क्या करना है, तो मैच करना है मी डॉट मी को कर रहे हैं, जैसे एक्टिव वर्कबुक होता है, जैसे आपकी एक्टिव सीट होती है, ऐसे यहां मी इट मींस एक्टिव फॉर्म। तो यहां अनलोड मी किया मतलब कि एक्टिव फॉर्म, मी डॉट किया टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव फॉर्म का। हालांकि मी लगाना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लगा सकते हो एक यूजर फॉर्म में, अगर मल्टीपल यूजर फॉर्म में हैंडल होता है तब यहाँ पे यूजर फॉर्म के नेम दिया जाता है। तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। अब इसी में दूसरा आर्गुमेंट देना है, तो सेम हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं दूसरे आर्गुमेंट के लिए, और यहाँ पे ए के जगह पे हम बी कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स टू कर देते हैं और क्लोज करते हैं। तो काउंट इफ क्या होगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों के बिहाफ पे काउंट करके रिजल्ट सी पे देगा। इसके बाद यहां देना है कि इफ, यहां पे कंडीशन देना है कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन, अगेन कंडीशन देना है, यहां पे लूप देना है कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू सीट डॉट काउंट, जो जो हमने नीचे किया ना सेम ए, तो नीचे हमने लगाया है सेम कोड यहां पे आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर तो इसमें हमें वेलकम एंड सीट, और इसमें हमने कर दिया मी डॉट यूजर फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, क्योंकि सीट नेम उसके यूजर नेम के अकॉर्डिंग ही है, एंड नहीं यहां पे और करना है, और बाकी सीट को हाइड कर देना है और यहां पे अनलोड मी देन यहां पे एंड सीट कर देना है। सिंपल सा कोड हमने लगाया। अब देखिए जैसे इस माइक्रो ये हमारा यूजर फॉर्म रन होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया पूजा, पासवर्ड डाल दिया 123 और यहाँ पे हमने लॉगिन पे क्लिक किया। दिबॉक्स इफ ओके, हाँ यहाँ पे माफ कीजिएगा हमने कंडीशन नहीं दिया, डॉट नेम यहाँ पे सॉरी हम गलत कंडीशन दे दिया था, इक्वल टू डॉट नेम इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, ये देना होगा मुझे यहाँ पे। अब देखिए हो गया पूजा कहाँ दिया, पूजा 1 2 3 यहाँ पे पूजा तो पहले से हाइड है ना, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सीट, और सीट में मी डॉट यूजर यहाँ पे लूप से पहले me डॉट
सी वन डॉट विजुअल इक्वल टू विजुअल, और यहाँ वन को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ मी डॉट सीट वन डॉट वैल्यू, इस नाम के सीट को विजुअल हटा देगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे पूजा करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और लॉग इन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ डज नॉट इक्वल टू वेलकम डाला है, वहाँ पे इक्वल टू वेलकम डालना पड़ेगा सेकंड कंडीशन में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब काउंट ही पब्लिक रिजल्ट नहीं नहीं, हाँ ये नीचे वाला शीट आई नेम इज डज नॉट इक्वल टू वेलकम, फर्स्ट वाली कंडीशन। हाँ ये छोटी सी गलती थी सर, वन टू थ्री डिबग शीट टू, ऊपर वाली इफ कंडीशन में इक्वल टू वेलकम, हाँ वहाँ पे इक्वल टू वेलकम होना चाहिए ना, वेलकम शीट, हमने यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलकम शीट और शीट का नाम टेक्सचर वन वैल्यू हो तो नॉट इक्वल टू, तो उसके अलावा जितने भी शीट है सबको हाइड कर दो, तो सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, एंड ये दिखा क्या रहा है, अनेबल टू सेट द वेरिएबल प्रॉपर्टी वर्कशीट क्लास, ये दिक्कत क्या है, ओ ओ ओ बिल्कुल तो भी हाइड कर दिया उसने, यहाँ इसने बिल्कुल को भी हाइड कर दिया हुआ है, बिल्कुल हाइड नहीं करना चाहिए था इसको, यहाँ पे वन बाय वन करना पड़ेगा सर, और नहीं चलेगा इससे, इफ if state I dot name equal to not equal to, अरे इसी पे हम और कंडीशन दिए थे ना, और के जगह पे हमें एंड देना चाहिए था, बात तो सही है, इसी पे मुझे एंड देना चाहिए था, हमने गलती किया था, और फिर वेलकम को भी हाइड नहीं करेगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे और ही होगा, पर बोला ना क्या पूजा मिल गया वेलकम मिल गया दोनों मिल जाता है ना सर, इसलिए हाइड कर रहा है यहाँ पे, ओके मुझे यहाँ इस कोड को इसके नीचे रन करना है, सिंपल सा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखिए मैं बताता हूँ,
अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे किया पूजा 1 2 3 और यहाँ पे लॉग इन किया, वर्क कर गया ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इसने वर्क कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैसेज भी देना है। हाँ, इसको एक तो पहले इसको लूप से बाहर कर दीजिए, ये दिक्कत कर रहा है, लूप से लूप में नहीं आएगा, लूप से बाहर होगा, लूप से बाहर होगा। और यहाँ पे कंडीशन हो गया नेक्स्ट टाइम बॉक्स, ये सब चल गया, अभी हमने बना लिया है सब, लेकिन दिक्कत है कि अगर उसने गलत पासवर्ड डाला तब क्या होगा। ये वेलकम मैसेज दे देगा, इससे पता चलेगा कि हमने सही पासवर्ड डाला, अगर उसने गलत पासवर्ड डाला तो यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा हमें कि इफ टी इज इक्वल टू 0 देन एमएसजी बॉक्स प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। उसके बाद इस लूप को रन करेगा, ये लूप क्या करेगा कि जितने भी सीट है सारे सीट को क्या कर देगा, हाइड कर देगा, सिर्फ वेलकम को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि हमने यहां पे नाम लिखा सही, बट हमने कर दिया यहां पे नाम अगर सही लिखा, पासवर्ड भी सही लिखा, तो मैच कंपाइल अगर फोर विदाउट नेक्स्ट, अच्छा यहां पे हमने नेक्स्ट इसका नेक्स्ट नहीं दिया ना, नेक्स्ट आई विदाउट, वेलकम ओके किया हट गया, लेकिन गलत करेगा तो मैसेज देगा और उसके बाद यहां क्या करेंगे हम एंड इसके बाद यहां कर देंगे एग्जिट सब, ताकि नीचे का जो जो प्रोसीजर है यहां पे एग्जिट नीचे का जो प्रोसीजर है और नीचे का प्रोसीजर को ना चलने दे। यहाँ पर ध्यान देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले काउंट इफ करवाया, काउंट इफ करवाया जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जो नेम डाला है जो पासवर्ड डाला है वो करेक्ट है नहीं, करेक्ट है तो उसकी काउंट सी पे डाल देगा, फिर सी चेक करेगा कि सी पे 0 मतलब कि पासवर्ड करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आया, 0 आया तो यहाँ पे देगा मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर द पासवर्ड ओके। उसके बाद क्या करेगा, जितने भी पहले से एक्टिव सीट है सारे सीट को हाइड कर देगा सिर्फ वेलकम को छोड़ के, अगर वेलकम सीट भी हाइड है तो इसको अनहाइड कर देगा, या इसको आप पहले भी रख सकते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे एग्जिट सब कर देगा मतलब कि काम खत्म, लेकिन अगर सी जो है वो 0 नहीं हुआ इसे कोई वैल्यू हुआ तो यहां पे लूप चलेगा, लूप में क्या करेगा कि वेलकम यहाँ पे बाकी सारे सीट्स को हाइड कर देगा और वेलकम सीट को अनहाइड रखेगा और जिस नाम हमने डाला है ना उसको यहाँ पे शो करेगा, समझ गए, हम यहाँ पे सीट से कुछ वैल्यू सिर्फ उसी को शो करेगा और वेलकम को शो वेलकम ऐसे शो करेगा और यूजर फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे रन करें, रन कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो मैं वर्कबुक ओपन पे लगा देता हूं, वर्कबुक ओपन यहां पे दे दिया यूजर फॉर्म 1 नाम इसका है ना, इसलिए डॉट शो। दूसरा हम बटन चाहते हैं तो यहां हम बटन भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे नीचे वाला बटन लिया एक्सेस कंट्रोल जिससे मैं कमांड कर सकूं और यहां पे इसको एडिट करता हूं और एडिट में हमने यहां पे कर दिया लॉगिन, ठीक है।
और इस पर डबल क्लिक करके सिंपल लिख दिया मैंने यूजर फॉर्म वन डॉट शो, सिंपल सा। अब इस पर डिजाइन मोड हटाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम मान लीजिए मैंने दे दिया एडमिन, और पासवर्ड दे दिया 1234567891234567891. और हमने लॉग इन क्लिक किया, क्या हो गया? एक मिनट, लॉग इन पर दिक्कत होगा। तो हाँ हाँ, यहाँ हमने एग्जिट सब को मुझे एंड इफ के अंदर डालना चाहिए था, हमने बाहर डाल दिया तो वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है सर। यहाँ पे हो जाएगा एडमिन, अब देख लॉग इन बिल्कुल मैसेज, यहाँ मेरा एडमिन क्लिक लॉग इन हो, ठीक है। और जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो सबसे पहले मुझे लॉगिन फाइल दिखाएगा। अब इसमें कुछ एडिशन करने हैं जो कि आप लोगों को करने हैं सर, और उसे करके अभी भेजने हैं। पहला क्या करना है कि जैसे कि मैं फाइल सेव कर दिया, जैसे फाइल ओपन हो वेलकम शीट के अलावा कोई और शीट एक्टिव नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो आपको यहां पे कोड करना है, जिस वर्कबुक के ओपन में यहां कोड लिखना है कि सिर्फ वेलकम शीट ही एक्टिव हो, बाकी सारे शीट डीएक्टिव हो जाए। नोट कर लिया सर आपने, पहला पॉइंट यहां पे। दूसरा इसमें क्या करना है, दूसरा इसमें ये करना है कि जब हम क्लिक कर यहां लॉग इन पे क्लिक कर दिया तो ये देखा क्लोज बटन, मैं इजीली इसको क्लोज कर पा रहा, तो इसको डिसेबल करना है। तो दो चीजों पर आपको रिसर्च करके मुझे अभी, क्योंकि कल फिर आपको पता है ऑफिस में टाइम होगा नहीं होगा, अभी आपके पास है एक डेढ़ घंटा है, आप एक घंटा तो ले ही दे ही सकते हैं, तो एक घंटा का टाइम दीजिए और रिसर्च कीजिए कि मैं इस क्लोज बटन को डीएक्टिव कर दूं। दूसरा, जब हम सिस्टम में फाइल जब ओपन होगा तो मेरा फाइल में बाकी जो सीट है वो सीट एक्टिवेट ना हो। जैसे मैं इसको क्लोज कर दिया, अब मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ यहाँ से, ओपन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ एडमिन सीट है ना, क्योंकि लास्ट टाइम सेव करते समय एडमिन सीट एक्टिव था, बंद कर दिया। तो ये एडमिन सीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेलकम सीट होना चाहिए, ओके। और दूसरा, इससे कोई क्लोज नहीं कर सके, समझ गए अतीश जी, जितेंद्र जी, नीरज जी? यस सर। ये फाइल मैं आप लोगों को इस फाइल को मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। नीरज जी है? नीरज जी आपको मेरा यही नाम था? यस सर। और जितेंद्र जी आ गए, अतीश, नहीं अतीश, अतीश है ना, आ गया अमित जी भी आ गया फाइल, और हमने इसको भेज दिया। अभी बना के मुझे भेज दिए, मैं वेट कर रहा हूँ सर। ओके, बाय, गुड नाइट।